जैसे कि आप सब लोग सब लोग ठीक ठाक अभी हम जा रहे थे आमना के घर। मामा सुबह सुबह आ गई थी, मेरी बहन भी आ गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं पहले बेकरी केक लेंगे। मेरी लगी हुई तो केक लेंगे, फिर उसके बाद मामा के घर चलेंगे। आपको नया सूट पहना है, अभी उतर के आप लोगों को दिखाऊंगी, सब मेरी वीडियो बनाएगी कि मेरा सूट कैसा है। जी मेरी बेटी तैयार हो गई, और ये मेरा बेटा, इधर देखो हमदान, हमदान ना बेटा ना बेटा ना ना जी। हम आ चुके हैं बेकरी, बेकरी यहाँ से लेंगे हम केक और कुछ और चीज़ें। केक ले लिया हमने 2 पाउंड का, क्योंकि माशाल्लाह आमना की फैमिली बड़ी है, मतलब उसके इन-लॉज़ वगैरह हैं, तो 2 पाउंड का केक जो है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह ज़्यादा सारे, तो फिर खा लेंगे। हुरिया कहती मामा मैंने वो लेना है, एक दिन हुरिया कहती मामा मैंने वो लेना है जिसमें नीचे क्रीम होती फिर चॉकलेट होती फिर क्रीम होती फिर चॉकलेट होती। हमें लगा कि शायद पेस्ट्री की बात करती है, कि पेस्ट्री ऐसी होती है, वो किसकी बात करती थी, वो इसकी बात करती थी, ये वाले की, ये जो चॉकलेट वाला है, नीचे क्रीम होती फिर चॉकलेट होती फिर चॉकलेट होती फिर क्रीम होती है। एक दिन आई तो बिखर के कह रही मैं लेके जाऊँगी, मैं तो लेके ही जाऊँगी। हाँ 400 रुपये, 460 रुपये का है मेरे ख्याल से ये, और ये मेरी पेमेंट 3 मिल्क पेस्ट्री। डोनट भी बड़ा मज़े का इनका, और डोनट बहुत टेस्टी है। मुझे केक ले लिया, अभी ऐसे रोने लगा था, मैं किसी और रक्षे में जाकर बैठने लगी थी, मामा कोई और रक्षा खड़ा हुआ था पीछे में, वहाँ बैठने लगी थी, ये हमारे रक्षे वाला तो नहीं लग रहा। वो तो अच्छा हुआ कि हुरिया ने ना बाहर मुँह निकाल के देख लिया, नजर आ गई हमें। मना आप सो रही थी जी, मना को रेडी कर दिया है ईशवा ने, ये मेरी हुरिया। हुरिया आप शूज़ पहन रही, नानों से पहनो, और इशाल को बिछवा ने रेडी किया है। हम बैठी हुई हैं, ये आमना का कमरा है और हमदान, और ये है जी मेरा फुल लुक, और ये रही जी मैं आमना के शीशे में। चाचू को बुला के लाओ ना, चाची को बुलाओ, चाची को बुलाओ। जी आमना का मैंने तैयार किया है, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे कर ले इधर को ऐसे, बस चलो अपने बाल ऐसे सही कर, अपने बाल ऐसे सही कर, बैठो ना, हाँ तुम्हारे साथ ही होने। अभी तो उठी थी, अभी तो उठी नहीं इनके आने पे, सुबह सोए सारे, जब हम आए तो ये उठ के बैठी, तो ये बैठी हुई थी, हाँ ये अंदर बैठी हुई, वही सोए हुए थे हम, फिर गए थे कुछ भी नहीं मिला। हाथी लगाना, हाथी लगाना, ठीक है वेट कर लो, पहले काटना तो फिर तुमने जो खाना खा लेना, वेट कर लो, नहीं वेट करो अभी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चलो एक बार काट लो पहले, उमर भाई को भी बुला लो, काट लो बुला लो ना, चलो एक बार काटना, 2 बार कटवाऊंगी, ठीक है अभी एक दफा काट लो। हैप्पी एनिवर्सरी, क्लैपिंग करो। हाय हाय क्या बात है, गिफ्ट आंटी, गिफ्ट दिया आपने, गिफ्ट दिया मैं खरीद रही हूँ पानी लेना है, मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगती है, मैं पानी लेके नहीं आई थी, फिर हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, तो पानी फिर हमने कहा ले लेते हैं। अब आमना गिलास रहने थे, हाँ मेरे बच्चे पानी मांगेंगे ना बार बार, अभी केक खा कर आए हैं, पानी नहीं पिया तो प्यास लग रही है। क्या हुआ, हम आ चुके हैं एक बालटाउन, और आमना घर से 10 मिनट का रास्ता है, हम जा रहे हैं फ्राई चिक, बच्चों यहाँ पे खेल भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे, तो अभी अंदर चलते हैं, सारे आ गए मेरी दोनों बहनें, माँ और हम दोनों के बच्चे। आमना का देखो, आमना तुम्हारे बाल कैसे लड़ा रहे हैं, चलो गुड़िया आओ। तो हम जी आ चुके हैं फ्राई चिक, फ्राई चिक में अंदर किसी की बर्थडे की तैयारियाँ हो रही हैं, हाँ न्यू ईयर की तैयारी है, न्यू ईयर की, बर्थडे नहीं है न्यू ईयर है। और मना हो रहा है कि ऐसे दोस्ती बन रही है, क्या ही बात है,
लो मिल लो मिल लो, हम ना जाओ अभी हैंड करके आओ, शेक हैंड करो। हाँ मेरे पास आओ जब तक उनकी बड़ी ऊपर जाएंगे। जाओ हम दान जाओ गो। हाँ जी हाँ जी, कल इनकी एनिवर्सरी, आज इनकी एनिवर्सरी है। ये सारा सजा हुआ है बेटा, बलून ना फाड़ना। अच्छा आपने उनसे पूछ के लिया है? चलो जब मना लिया हम ना ले लो, बस एक लेना, एक 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 थोड़ी। आ जा बेटा, चलो नहीं लेना, मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, बिग बॉय हो गया है। हम लोग आ गए इतना सज के, पहले जब मेयर बिलाल आए थे तब हम भी यहीं बैठे थे। हाँ ना, मैं नहीं यहाँ बैठूँगी, यहाँ बैठ जाते हैं, चेयर्स बोर्ड पकड़ लेंगे यहाँ पे ना। हम भी आ चुके हैं इधर, ऑर्डर भी करवा दिया है और बहुत सारा शूट भी कर लिया है। और ये मेरी डॉल है नाराज़ की, मुझे मोबाइल दे दो। अब बाहर आते तो मोबाइल थोड़ी लेते हैं, वो मनहा ने लिया हुआ ना मोबाइल, देखो मनहा की मामा ने ले लिया। और हमदान की तरह हमदान गिरा, हमदान चोट ना लग जाए आपको, हमदान ऑलरेडी नाराज़ है। इशाल इशाल हम अभी जी, इसके बाद हमने बाज़ार भी जाना है। कहाँ जाना है? बाज़ार भी जाना है। ये जी आ चुका है हमारी भी, हमारे फ्राइज़ और पिज़्ज़ा रहता है, फ्राइज़ और बर्गर। हमारे बर्गर भी आ गए हैं और फ्राइज़ भी आ गए हैं। ये हमारे फ्राइज़ बस मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, मैं बच्चों के साथ पी लूँगी, और क्या करने हैं। नहीं गिलास का कह रही है ना, मैंने कहा और नहीं चाहिए गिलास। तो जी खाना पीना नहीं, वो दूसरा वाला था जो चार बर्गर थे ना, वो वाला था चपली कबाब, और ये तीन बर्गर वाला था, इसमें तीन वो थे ना चिकन पीस। तो जी हमारा खाना हो गया, ये जी मेरा पिज़्ज़ा है, ये उड़िया का बच्चा हुआ है और बर्गर अभी किसी, हमने पहले भी ऐसे हुआ था कि जब हम खाने गए थे तो आप भी पियो बेटा, लो बनाना सीखो। इशा से वोटर डालो, हम खा देंगे, किसको डालनी थी बोतल? ये दिशा बैठ गई यहाँ अंदर जाकर, और बच्चे किधर हैं जी? सॉक्स उतार लो, उतार लो उतार लो, स्लिप हो रही ना, दे दो। और बहुत चीज़ें दोनों ऊपर चली गई हैं, आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह। मामा दीवान से आते हैं, और मामा अम्मा ये सब यहाँ खड़े हैं। इशा तो अंदर ही जाके, इशा और अंदर जाके बैठ जा बेटा। एक मज़े की बात पता है, कैमरा गंदा हो रहा है फ्रंट। एक मज़े की बात ये है कि हम तीनों बहनों के ना बाल ब्लैक हैं, हम तीनों के बाल ब्लैक हैं। हाँ इशा ने कहा, और हम और बाकी हम तीनों के स्ट्रेट भी बाल हैं, मम्मा के कर ली हैं, मम्मा के बाल काट लें, हमारे तीनों के बाल स्ट्रेट हैं। पापा के बारे ना यहाँ तक बाल थे, कुछ ना तक है ना। मामा ने यही बात सुनी है कि पापा के बाल स्ट्रेट थे, वो यही कह रही है कि हाँ पापा के बाल स्ट्रेट थे। हाँ तस्वीर में थे, है मम्मा तस्वीर में, पापा के बाल यहाँ कंधों कंधों तक भी थे तस्वीर में। कुछ मज़े में बच्चों को जाने का दिल नहीं कर रहा।
ये क्या हो रहा है? शिवा शाल को लेकर आई है, वो उतनी सी जगहों में से गुजर के जर आती है। मैं कहा शिवा भी जरा सी है। शाल कितना खुश है, शाल मजा आ रहा है, आ जाओ। कैप्चर हो गया, कैप्चर हो गया। और हमारे तीनों बच्चों को देख लो, वो तो बालती आएंगे, वो मने टिड्डी सी और रमदान हो गया। मजा आया, रिकॉर्ड कर लो, मजा आया होगा तुम्हें। इसको बड़ा कर ले ताकि तोहफा अट जाए। तो जी हुरिया का, हुरिया के हमारे लेसेस वाले जूते हैं, हमदान के ऐसे, हमदान खुद पहन लेता है। जल्दी से पहन ले मेरा बेटा, चलो सारे चले गए नीचे और हम ऊपर रह गए। इस तरह का सजा हुआ है। अच्छा अभी टाइम पता ही हो रहा है, अभी सिर्फ 5:30 हो रहे हैं और उन्होंने हमें कहा है, मुझे कहा कि भाई आप रुक जाएं क्योंकि मुझे लगता है कि आज का सबसे हैवी मील जो है ना वो हमने लिया है। हैं हम ना आज का सबसे, बेटा साइड पे आओ, आज का सबसे हैवी मील हमने लिया है। मैं रोक रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप रुक जाएं और बच्चों के जो हैं गिफ्ट लेके जाएं, वो 7:30 बजे होगा। मैंने उनसे कहा आप हमारे बच्चों को अभी दे दें। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं 7:30 बजे होगा तो आप गिफ्ट लेके जाएं, लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते कि हम गिफ्ट ले लें क्योंकि आज का जो सबसे हैवी मील था ना वो हमने ही खाया है और हम बचा के भी ले आए हैं। तो अभी हम करवाएंगे रक्षा और जाएंगे आमना के घर, वहाँ से मैंने जाना है अपनी दोस्त के घर, उसके बाद हमने बाजार जाना है, फिर अपने घर जाना है। मैंने बिलाल से कहा कि बिलाल आप चले जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं आई हूँ अपने दोस्त के घर इन सबको लेकर, ये मेरे दोस्त का घर है। वो ना और रानी बाजी आई ना तो रानी बाजी भी यही कह रही, मैं कह रही एक एक मैं जो मर्जी कर लूँ जरा सी कम नहीं होती। ऊपर नीचे माशाल्लाह काम वाली तो, काम वाली तो ये 3-4 दिन से रखी है, कर दो हमें तो मिलती है गली में इतनी बहुत। अपने दोस्त के घर से आ गए, आमना के घर, आमना घर जाने की। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ करो, खाला को मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़ कर दो मेरा बेटा। तो अभी जी हम लोग घर जाने लगे हैं। ये मैंने बनाई है मैक्रोनी, अभी आते 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 आके सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करके मैक्रोनी बनाई है और ये शिवा ने लेके जानी है, शिवा के लिए पैक कर दी है। शिवा सारा सामान घर से काट के लाई थी और ये बिलाल खा रहे हैं। हाँ बहुत है, टेस्ट करवाने के लिए। बिलाल कैसी बनी हो? मैंने आपको टेस्ट करवाइए कैसी बनी है। आप भूखे हो रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है? नहीं वैसे भी अच्छी है। तो जी मैं बस बिलाल का खाना लगाते हैं, बिलाल हो रहे हैं भूख के। बिलाल के लिए मैं वहाँ से लेकर आई हूँ बर्गर और पिज़्ज़ा, ताकि बिलाल जो हैं बस मामा जाने लगे हैं। अपनी मैक्रोनी पकड़ ली भाई, बाय रे। चलो तो पहला मोड़ इसका वाला। चलो जी चलो। ये मामा जा रही हैं अपने घर और हम मामा को छोड़ने जा रहे हैं नीचे तक। नहीं
बेटा हो रही है, कपड़े नहीं पहने में ठंड हो रही है। दवाइयाँ रख ली थी, फिलहाल जा रहे हैं मम्मा को छोड़ने। बेटा ना ऐसे ना कहो, रात काफ़ी हो गई है, 9 बजने वाले हैं। तो फिर मामा, अरे मामा असल में कभी भी अकेली बाहर नहीं निकली, तो मामा को लगता है डर, हमेशा मेरे पापा के साथ ही गई हैं। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं बताती हूँ कि मामा मगरिब से पहले चली जाएंगी।